हमारे नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। सिल के एकदम रेडीमेड जैसा ब्लाउज दिखाई देगा। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। जो कटिंग की थी मैं उसका ये सिलाई करके आपको बताएगी किस तरह दिख रहा है। तो फ्रेंड मैं इसको साइड रख देगी। सबसे पहले फ्रेंड ये देखिए, ये बाजू है, इसको मैं साइड रख लेगी। ये देखिए फ्रेंड, दोनों साइड का जो प्रिंस कट है कटोरी का, इस तरह मैं ज्वाइंट कर ली हूँ। आपको भी इसी तरह ज्वाइंट कर लेने का है। ये देखिए जो प्रिंस कट का कटोरी ज्वाइंट होता है, इसको भी मैं अस्तर यानी कपड़ा दोनों ज्वाइंट कर दी। देखिए इसको भी मैं ज्वाइंट कर दी हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैं बैक पार्ट में डिजाइन इस तरह बना लेगी। ये देखिए फ्रेंड, मैं इस तरह डिजाइन को कटिंग कर लेगी। ये देखिए फ्रेंड, मैं इसको हुक बटन के लिए साइड रख देगी। हुक बटन का पट्टी इससे लगा देगी। ये देखिए फ्रेंड, मैं 4 इंची के दूरी पे टेक्स का लाइनिंग कर लेगी। उसी तरह इस बाजू भी। इसको मैं इस तरह कटिंग करती हूँ, तो इसको मैं साइड रखेगी। और उससे पहले ये देखिए, ये जो अस्तर यानी कपड़ा, ये देखिए ये जो कपड़ा बड़ा है, इसको मैं कटिंग कर लेगी। देखिए ये देखिए फ्रेंड, उसी तरह मैं दोनों साइड का जो बड़ा हुआ था साइड का मैं कटिंग कर ली हूँ। अभी मैं इसको सबसे पहले मैं गला को बना लेगी, उसके बाद में जॉइंट करके आपको दिखाएगी कि जॉइंट करने के बाद में किस तरह दिख रहा है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं जॉइंट करने के लिए। ये देखिए फ्रेंड, बैक पार्ट में मैं इसे डिजाइन बनाएगी, बिना बकरम का बनाएगी, बिना कैनवास का। तो फ्रेंड ये देखिए, आप इस तरह बना सकते हैं। ये देखिए दोनों सीधा सीधा एक तरफ रहेगा इस तरह। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह मैं अस्तर यानी कपड़े को दोनों को जॉइंट कर देगी। ये देखिए इस तरह मैं जॉइंट करके इसको सीधा कर देगी। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं इसको जॉइंट करने के लिए। ये देखिए फ्रेंड, मैं इस तरह जॉइंट कर दी हूँ बिना बकरम का। इस तरह आप गला बना सकते हैं, गले का डिजाइन। तो इसको मैं अभी उल्टा कर देगी। तो सबसे पहले फ्रेंड ये देखिए, इस तरह मैं चारों तरफ गला का खाली चला दी हूँ सिलाई। ओके फ्रेंड, ये देखिए ये जो नीचे का होता है कमर का, जो हम लोग तुड़पाई करते हैं, और चाहे आप मोड़ के सिलाई इस तरह कर रहे हैं, देखिए आप इस तरह अगर मोड़ के सिलाई कर रहे हैं तो इसको सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए फ्रेंड, जिस तरह मैं इसको उल्टा साइड में सिलाई करती हूँ उसी तरह ये देखिए, इस तरह आप सिलाई कर लेने का है। अगर आपका टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, आप इस तरह सिलाई कर रहे हैं फ्रेंड, ये देखिए इस तरह बड़ा पट्टी लेने का, आप एक लाइनिंग मार देने का। ये देखिए एक लाइनिंग आप जब भी मार देंगे उसके ऊपर आप सिलाई कर देने का है। सिलाई करने के बाद में ये देखिए फ्रेंड, इस तरह आपको सीधा कर देने का है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह दिख रहा है। आप इस पे प्रेस घुमा सकते हैं, अगर आपके पास प्रेस नहीं है तो आप सिलाई चला देने का। तो फ्रेंड ये देखिए, ये जो नीचे का पार्ट है आपको इसके ऊपर से सिलाई चला देने का है। तो फ्रेंड अभी मैं सिलाई चला देगी। ये देखिए फ्रेंड, सीधा करने पे ये देखिए, इसको प्रेस घुमा देने से इस तरह दिख रहा है। ये देखिए फिनिशिंग में आ गया है। मैं फिर भी इसके ऊपर से मैं एक सिलाई चलाएगी। ये देखिए फिर भी मैं एक सिलाई चलाएगी इसके ऊपर। ये देखिए फ्रेंड, गले पे भी मैं एक सिलाई चलाई, और नीचे साइड जो कमर का है इसको, इस पर भी मैं एक सिलाई चला दी हूँ। तो फ्रेंड अभी मैं पूरा चारों तरफ सिलाई चला देगी। ये देखिए अभी मैं जॉइंट कर देगी अस्तर यानी कपड़े। ये देखिए फ्रेंड, अस्तर और कपड़े को दोनों को मैं जॉइंट कर दी हूँ, दोनों बाजू जॉइंट कर दी हूँ। अभी मैं टेक्स लगाएगी। ये देखिए अभी मैं टेक्स लगाएगी। ये देखिए फ्रेंड, गला मैं ज़्यादा बड़ा बनाई हूँ। इसके लिए देखिए टेक्स को थोड़ा मैं 9-10 साइड में कर दे रही हूँ। देखिए इसका भी टेक्स उसी तरह मैं 2 सेंटी इस बाजू में कर दी हूँ, उसी तरह इसका भी 2 सेंटी टेक्स इस बाजू कर देगी, क्योंकि गला चौड़ाई ज़्यादा है इसका। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह मैं टेक्स को लगा ली हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैं इस रेस को इस तरह लगाएगी। ये देखिए फ्रेंड,
ये देखिए फ्रेंड, मैं उसी लेस को एक लेयर में और लगा देगी। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह आप लेस से इस तरह गला बना सकते हैं। ये देखिए अस्तर वाला ब्लाउज कभी भी आप जॉइंट करेंगे इस तरह बढ़ जाता है। ये देखिए इस तरह खिंचाव पड़ता है, ये बढ़ जाता है हल्का। तो फ्रेंड आपको समझ में आया होगा किस तरह मैं डिजाइन को बना दी हूँ। अभी मैं कटोरी को जॉइंट करेगी। ये देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पे टेक्स लगा लेगी। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह मैं टेक्स को लगा लेगी। एक जो प्रिंस कट का कटोरी होती है उस पे टेक्स मैं लगाएगी। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड, मैं आधा इंची ली हूँ टेक्स का। ये देखिए क्रॉस में टेक्स लगाने से क्रॉस दिखेगा। तो यहाँ पे जब भी आपका कपड़ा बढ़ेगा तो आपको कट इन कर देने का है। तो चलिए फ्रेंड ज्वाइंट करते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए, इसको लूज में सिलाई करने का है आपको। ये देखिए यहाँ से ज्वाइंट करने का लूज में इस तरह। ये देखिए फ्रेंड, मैं इसको इस तरह लूज में रखेगी, नीचे 2 सेंटी इस तरह नज़दीक करके रखेगी। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह मैं जॉइंट कर दी हूँ कटोरी को यानी पट्टी को। तो फ्रेंड मैं इसी तरह मैं दोनों जॉइंट कर लेगी, दूसरे बाजू का भी। ये देखिए इस तरह मैं जॉइंट कर लेगी। ये जो काला डोरी है इससे मैं इस तरह डिजाइन बना देगी इस पर। तो इस तरह पूरा रेडीमेड दिखेगा। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह डिजाइन में बन गया है। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। मैं एक टेक्स यहाँ पे भी लगाएगी। ये देखिए एक टेक्स यहाँ पे भी आधा इंची का लगा देगी। 3 इंच टेक्स का मैं लंबाई ली हूँ, आधा इंच मैं टेक्स का चौड़ाई ली हूँ। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह गहरा में दिख रहा है। देखिए इसी तरह मैं दोनों ज्वाइंट कर ली। ये देखिए फ्रेंड कितना सुंदर दिख रहा है कटोरी। यहाँ पे जब भी आप 2 इंची निकाल देंगे तो इस तरह क्रॉस में ज़्यादा हो जाता है, आधा 1 इंची ज़्यादा हो जाता है। तो फ्रेंड आपको लूज रख के आपको सिलाई करने का। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह कहीं कहीं पे आपको सिकुड़ जाएगा, तो उसका टेंशन नहीं लेने का है, आपको लूज में ही सिलाई रखने का है। तो ये देखिए फ्रेंड, एक टेक्स मैं इधर से लगाई हूँ, साइड से एक टेक्स लगाई हूँ आधा इंच का, और बीच में एक टेक्स लगाई हूँ। ये देखिए बेल्ट पट्टी में बना लेगी। ये देखिए फ्रेंड, इसको मैं यहाँ से कटिंग करेगी। ठीक, मैं आधा इंच यहाँ पे कटिंग करेगी, यहाँ पे कटिंग कर देगी मैं। ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए जो नीचे के साइड में जो बड़ा पड़ गया है उसको कटिंग कर देने का। ये देखिए इस तरह कटिंग कर देने का है आपको, यहाँ पे इस तरह क्रॉस में कटिंग कर देने का है। फ्रेंड बेल्ट पट्टी को ज्वाइंट करते हैं। इस तरह मैं ले लेगी बेल्ट पट्टी को। ये देखिए इस तरह मैं ले, ये देखिए फ्रेंड अभी मैं ज्वाइंट कर देगी इस तरह। ये देखिए देखिए फ्रेंड, मैं इस तरह जॉइंट कर दी हूँ। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड, इस तरह मैं जॉइंट कर दी हूँ। अभी मैं इसको इस तरह गोल करके इसको अंदर की तरफ कर देगी। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड, इस तरह मैं इसको जॉइंट कर देगी। इसी तरह फ्रेंड मैं दोनों साइड का जॉइंट कर देगी। मैं सिलाई लगा दी हूँ इस पर, उसी तरह सिलाई लगा दी हूँ। और फ्रेंड इसी तरह मैं दूसरे बाजू को भी बेल्ट पट्टी लगा लेगी। ये देखिए फ्रेंड, अभी मैं हुक बटन के लिए कटिंग कर लेगी इसको। ये देखिए फ्रेंड, इसको सबसे पहले मैं सीधा में कटिंग कर लेगी। देखिए देखिए फ्रेंड, जो अंदर की तरफ मैं पट्टी लगाएगी वो अस्तर का लगाएगी, क्योंकि अस्तर वाला है तो अस्तर का ही लगना चाहिए। ये देखिए,
ये देखिए फ्रेंड, इसमें से मेरे को एक ही पट्टी जरूर लगेगा और एक अस्तर रहेगा, एक कपड़े रहेगा। ये देखिए फ्रेंड, इसको इस तरह मोड़ देगी मैं, इस तरह पकड़ेगी मैं, ये देखिए इसको इस तरह उल्टे साइड में सीधा जॉइंट करेगी। अब भी ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड, इसको मैं अभी इस तरह मोड़ लेगी, ये देखिए इस तरह मोड़ लेगी, ये देखिए इस पर इस तरह रख देने का है आपको, ये देखिए इस तरह आपको इस पर रख देने का है। देखिए फ्रेंड, इस तरह हुक बटन का पट्टी बन के तैयार हो जाएगी। देखिए फ्रेंड, जो बड़ा है उसको इस तरह आपको कट इन कर लेने का है। ये देखिए फ्रेंड, ये अस्तर वाला है, ये अंदर की तरफ रहेगा तो मैं इसको इस तरह मोड़ देगी, ये देखिए इस तरह मैं इसको जॉइंट करेगी। ये देखिए अंदर की तरफ मोड़ लेने का है इस तरह। ये देखिए फ्रेंड, इसके ऊपर से भी यहाँ पे भी एक सिलाई चला लेने का है, ये देखिए। ये देखिए फ्रेंड, मैं इस तरह दोनों साइड का पट्टी ज्वाइंट कर ली हुक बटन का। ये देखिए फ्रेंड, अभी मेरे को गला का पाइपिंग बनाने का है तो मैं गले का पाइपिंग बना लेगी। तो चलिए फ्रेंड, गले का पाइपिंग बना लेगी मैं, इसको तुड़पाई के लिए लगाएगी, अंदर की तरफ का मोड़ देगी। ये देखिए फ्रेंड, मैं इसको इस तरह ज्वाइंट करेगी, ये देखिए अस्तर का कपड़ा है। ये देखिए फ्रेंड, इसको मैं अंदर की तरफ इस तरह मोड़ देगी, ये देखिए। ये देखिए फ्रेंड, इसी तरह मैं दूसरा भी गला बना लेगी, ये देखिए इसको भी मैं बना लेगी। ये देखिए फ्रेंड, अभी मैं बाजू आपको बताई थी किस तरह मैं बनाएगी, तो चलिए फ्रेंड मैं पूरा जॉइंट कर लेती हूँ। सबसे पहले ये दोनों कपड़े को मैं जॉइंट कर लेगी, उसके बाद में मैं अस्तर में जॉइंट करके आपको दिखाएगी। ये देखिए फ्रेंड, मैं इसको इस तरह दोनों को जॉइंट कर देगी। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह मैं जॉइंट करती हूँ, ये देखिए। ये देखिए फ्रेंड, मैं इस तरह इसको जॉइंट कर दी हूँ। ये देखिए फ्रेंड, अभी मैं इस तरह अस्तर को जॉइंट कर देगी, ये देखिए अस्तर को मैं जॉइंट कर देगी। ये देखिए फ्रेंड, अभी मैं इसको सीधा में इस तरह रख लेगी, ये देखिए। ये देखिए फ्रेंड, कितना सुंदर बाजू बन के तैयार हो गया है, ये देखिए चारों तरफ मैं जॉइंट कर देगी। ये देखिए फ्रेंड, मैं इस पर भी इसको लगा देगी इस तरह, तो और सुंदर बन जाएगा, ये देखिए। ये देखिए फ्रेंड, कितना सुंदर बाजू बन के तैयार हो, इसी तरह मैं दूसरा भी बाजू बना लेगी। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह मैं दोनों बाजू को बना दी हूँ, ये देखिए। तो फ्रेंड इसको मैं साइड रखेगी, अभी मैं शोल्डर जॉइंट करेगी, ये देखिए फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, आपको इस तरह चेक कर लेने का है कि बड़ा छोटा अगर लग रहा है तो यहाँ पे गहराई नहीं कम करने का है, यहाँ पे आपको देखिए ऊपर नीचे नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहले मैं शोल्डर जॉइंट कर लेगी, ये देखिए फ्रेंड, उसी तरह मैं दूसरा भी जॉइंट कर लेगी, ये देखिए। ये देखिए फ्रेंड, उसी तरह मैं दोनों शोल्डर जॉइंट कर ली हूँ, ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो लंबाई से देखने से बड़ा पड़ा है मैं इसको कटिंग कर लेगी, देखिए इसको भी कटिंग कर लेगी फ्रेंड। अभी इसको मैं चेक कर लेगी कितना ज़्यादा बड़ा है, तो फ्रेंड ये देखिए दो दो पॉइंट बड़ा है, तो मैं इसको कटिंग कर लेगी, ये देखिए इतना मैं कटिंग कर लेगी बराबर में फ्रेंड। इसका चिंता नहीं करने का, ये देखिए फ्रेंड, इसका इसको नहीं देखने का, आपको यहाँ पे सिलाई जब भी चलाएंगे इस पे ध्यान देने का है कि ये बराबर में आ रहा कि नहीं। उसी तरह दूसरे बाजू का भी मैं चेक कर लेगी,
ये देखिए फ्रेंड, अभी मैं बाजू जॉइंट कर लेगी। तो फ्रेंड ये देखिए मैं निशानी लगाई थी जो आगे साइड जॉइंट होएगा, ये देखिए मैं लाइनिंग की थी, तो इस तरह बीचों बीच मैं पकड़ लेगी। ये देखिए बीचों बीच इस तरह, ये देखिए फ्रेंड, इस तरह बाजू को चेक कर लेने का है और बीचों बीच इस तरह पकड़ लेने का है। जो आप आधा इंची कम किए हैं वो आगे साइड में रख लेने का है और इस तरह जॉइंट यहाँ पे सुई से या पिन आप लगा देने का है। ये देखिए इस तरह, ये देखिए फ्रेंड इस तरह आप चेक कर लेने का है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ से बाजू जॉइंट कर लेने का है। ये देखिए फ्रेंड, मैं बाजू को जॉइंट करती हूँ, इसी तरह मैं दोनों बाजू जॉइंट कर देगी। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, मैं इस तरह जॉइंट कर दी हूँ। ये देखिए फ्रेंड, तो फ्रेंड अभी मैं दोनों बाजू जॉइंट करके उसके बाद में आपको बताएगी किस तरह दिख रहा है। मैं अभी इसको पूरा जॉइंट कर देगी। ये देखिए इस तरह बराबर में कर लेने का है, इस तरह जॉइंट करेगी मैं सबसे पहले इसको। ये देखिए फ्रेंड, ये जो साइड का बड़ा है इसको कटिंग कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड, अभी मैं इसको उल्टा कर देगी इस तरह। यहाँ पे एक सिलाई चला देगी मैं। ये देखिए फ्रेंड, इसी तरह मैं दोनों साइड जॉइंट कर लेगी। ये देखिए फ्रेंड, 6 इंची पे मैं फिटिंग ले लेगी। ये देखिए फ्रेंड, सिलाई करके हो गया। अभी मैं आपको दिखाएगी किस तरह मेजरमेंट लिया जाता है। ये देखिए फ्रेंड, अभी मैं कमर का मेजरमेंट आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड, सेम टू सेम कमर को मैं बना दी हूँ। और फ्रेंड कभी भी आपका कस्टमर का है तो किस तरह सिलाई के बाद में चेक करना चाहिए, तो फ्रेंड ये देखिए आपको इस तरह चेक कर लेने का है बराबर है कि नहीं। उसी तरह फ्रेंड चेस्ट का चेक कर लेने का आपका, उसी तरह ये देखिए छाती देख लेने का कितना है। यहाँ पे सिला हुआ आपको इस तरह, इसका सिला हुआ आप जो सिले हैं उसका इस तरह आपको चेक कर लेने के। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इस तरह पकड़ लेने का है और दूसरे बाजू भी। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह आपको चेक कर लेने का है। तो फ्रेंड ये देखिए परफेक्ट आ गया सिलाई करके। तो फ्रेंड अभी मैं इसको सीधा करके दिखा रही हूँ किस तरह सिला हुआ दिख रहा, कितना सुंदर दिख रहा फ्रेंड। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड, ये बैक पार्ट हो गया है। ये देखिए इस तरह दिख रहा है। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड कितना सुंदर, जिस तरह रेडीमेड ब्लाउज आपको मिलता है गोल्डन कलर में उसी तरह ये दिख रहा है। ये देखिए फ्रेंड इस तरह, ये देखिए फ्रेंड ये पूरा ब्लाउज दिख रही है। ये देखिए फ्रेंड इस तरह पहनने पे फिटिंग। ये देखिए फ्रेंड, ये फ्रंट पार्ट में है, ये बाजू कितना सुंदर दिख रहा है। देखिए, ये देखिए फ्रेंड, मैं इस तरह ब्लाउज बना दी हूँ। फ्रेंड अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट करिए। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ में। ये देखिए फ्रेंड।